और शाइस्ता परवीन को लेकर जांच में बड़ा खुलासा। अतीक के नाम दर्ज संपत्ति अपने कब्जे में ले रही शाइस्ता। यूपीएसटीएफ को हरियाणा, दिल्ली, मुंबई की कंपनियों की मिली जानकारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से अपने नाम करा रही है संपत्ति। तो देखिए, बड़ी जानकारी है, बड़ा अपडेट है। एसटीएफ को हरियाणा, दिल्ली, मुंबई पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। प्रीति, किस तरीके से यह सब कुछ किया जा रहा है, तब जबकि पुलिस को शाइस्ता की तलाश है, अतीक की प्रॉपर्टीज शाइस्ता अपने नाम करा रही है, कैसे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शाइस्ता जो है वो अभी भी फरार चल रही है, पुलिस के शिकंजे से बाहर है। लेकिन जो एसटीएफ और पुलिस जो जांच कर रही है, एसटीएफ और पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शाइस्ता जो है, जो अतीक की जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को अपने नाम करवाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से उस संपत्ति को अपने नाम करवा रही है। और साथ ही ये जो पूरी जो संपत्ति है, ये इसकी अतीक की कई जगह पे इसकी संपत्ति है। यूपी पुलिस ने कहा है कि हरियाणा, दिल्ली और मुंबई में अतीक की कई कंपनियों में पैसे लगे हुए थे और जिन कंपनियों को शाइस्ता अब अपने नाम पे करवा रही है। और ये जो पूरा चीजें जो की जा रही है, ये चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा जो इसका जो माफिया अतीक का जो पूरा साम्राज्य था, उसको अब अपने नाम पे करने की कोशिश। ठीक है, शुक्रिया प्रीति आपका इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। अगर उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अशरफ के 2 सालों की तलाश है। अशरफ के साले शिवली और सैफी की तलाश में है यूपी पुलिस। इलाके में हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश है शिवली। हत्या की प्लानिंग और हत्या को अंजाम देने में शामिल थे शिवली और सैफी, ये दोनों। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, राइफल से गोली चलाने वाला शूटर साबिर मुंबई भाग गया है। साबिर ने उमेश पाल पर राइफल से गोली चलाई थी। शूटर साबिर की तलाश के लिए मुंबई गई है पुलिस की टीम, यूपी पुलिस की टीम। दरअसल साबिर मुंबई में 8 साल तक ड्राइवर रह चुका है। अति गैंग से संपर्क में आने से पहले वो ट्रक ड्राइवर था। साबिर दहेज हत्या मामले में जेल भी जा चुका है। अब उसकी तलाश मुंबई में की जा रही है, जिसके लिए यूपी पुलिस की टीम मुंबई पहुंची हुई है। और वहीं साबिर की तलाश में महाराष्ट्र एटीएस करेगी यूपी पुलिस की मदद। महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने TV9 से कहा, यूपी पुलिस को हर संभव मदद करेंगे। अतीक के शूटर साबिर की तलाश में मुंबई गई है यूपी पुलिस की टीम। विनय रघुवंशी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विनय, क्या जानकारी मिल रही है, यूपी पुलिस और एटीएस कैसे कॉपरेट कर रहे हैं, साबिर आखिर है कहां, इस बारे में क्या अभी तक क्लू मिल पाया है पुलिस को? जिस तरीके से पुलिस को जो है लगातार साबिर और जो फरार चल रही शाइस्ता परवीन, इसकी तलाश थी, क्योंकि पुलिस को ये सूचना लगातार मिल रही थी कि साबिर जो है उसका मुंबई से कनेक्शन बहुत अच्छा खासा रहा है। क्योंकि अति गैंग में आने से पहले 8 साल तक जो साबिर है वो वहां पे ड्राइवरी का काम करता था। यही नहीं, जो साबिर का जो भाई है जाकिर, ये भी वहां पे ड्राइवरी का काम करता था। तो कहीं ना कहीं इनके जो संपर्क हैं वो मुंबई में काफी अच्छे खासे हैं। ऐसे में पुलिस को जब सूचना मिली कि ये साबिर जो है मुंबई की तरफ रुक कर चुका है, तो ऐसे में जो पुलिस, यूपी पुलिस की जो टीम है वो मुंबई पहुंच गई है। वहां पर साबिर की तलाश में जो कई ठिकानों उनको पता चला है, वहां पर जो है दबिश दी जाएगी। क्योंकि पुलिस को लगातार ये बात हमेशा सामने आ रही थी कि जाकिर जो है, जो साबिर का भाई, वो दहेज हत्या के मामले में जेल गया था और उसके बाद जो है वो बाहर जब आया तो ये साबिर और अतीक गैंग दोनों के संपर्क में आ गया, जिसके बाद ये अतीक के जितने भी गुर्के हैं उनकी गाड़ियां चलाने का काम करता था। तो देखना ये होगा कि पुलिस जो मुंबई पहुंची है, टीम यूपी पुलिस, उसको कितनी सफलता मिलती है साबिर को पकड़ने के लिए। क्योंकि शुरुआत में ये भी सूचना आ रही थी कि साबिर जो है लगातार, बिल्कुल विनय, ये चुनौती बनी हुई है पुलिस के सामने। शूटर्स भी फरार और साथ में शाइस्ता भी फरार है, उसके बारे में भी लगातार दबिश दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनय। अतीक अशरफ मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। होटल और अस्पताल के बीच शूटर्स को दिया गया कैमरा और माइक। पुलिस कैमरा और माइक देने वाले की तलाश में जुटी है। होटल प्रबंधक का बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा है कि छोटा सा बैग लेकर आए थे ये तीनों। होटल आने पर तीनों के पास ना कैमरा था ना माइक, यानी होटल से लेकर के हत्याकांड वाली जगह तक इसके बीच में ही किसी ने इनके हाथ में माइक और कैमरा थमाया।
और बरेली जेल का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में बरेली पुलिस। जी हां, पुलिस ने शूटर्स के खिलाफ मुकदमे बढ़ाए हैं। केस में गुड्डू मुस्लिम, असद, गुलाम का नाम भी शामिल किया गया है। वीडियो में दिख रहे बाकी चेहरों की पहचान में पुलिस जुटी हुई।